इन दिनों हमारे देश में एक नया मसला चल रहा है जो बेहद ही खतरनाक है, जो हमारे देश की सीमाओं के अंदर उत्पन्न हुआ। ये खतरा जो धर्म के नाम पर शुरू हुआ था, फिर सत्ता के गलियारों से होते हुए अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। कर्नाटक में अब ऐसे स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है जो स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहन के जाने देने की मांग कर रहे हैं। पिछले एक महीने से कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर विरोध चल रहा है। अब तो बात हिंसा तक पहुंच गई है, पथराव भी हो रहे हैं। जब बीते दिन कर्नाटक में दो गुटों के बीच झड़प हुई थी, उसमें एक तरफ लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। जो लड़की वीडियो में अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, उसे लोगों ने हिजाब गर्ल का टाइटल दिया। इस लड़की का नाम मुस्कान है। इस वीडियो के वायरल होते ही एक तरफ बहुत सारे लोग उसकी हिम्मत के लिए शाबाशी दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं जो उनकी इस वीडियो का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर एक कोलाज बनाकर पोस्ट कर रहे थे कि मुस्कान स्कूल तो हिजाब पहनकर जाना चाहती हैं, मगर घूमने फिरने के लिए उन्हें हिजाब पहनकर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जिस पर्देपन के लिए वो विरोध कर रही है, क्या वो केवल स्कूल कॉलेज तक ही लाजमी है? पहली फोटो को उनकी आम जिंदगी बताई जा रही है तो वहीं दूसरी फोटो को प्रोपोगंडा जिंदगी। उन्हीं में से एक लड़की नजमा नाजीर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें नजमा लाल रंग के क्रॉप टॉप और जीन्स में दिखाई दे रही है। ये उनकी इंस्टाग्राम से ली गई फोटो है। इस फोटो को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा है, नजमा नाजीर एक असली हिजाब योद्धा है, और जिन लोगों को लगता है ये फोटो एडिटेड है, ये दरअसल उनकी इंस्टाग्राम आईडी से ली गई है। इस वीडियो की पड़ताल करने के बाद हमें मालूम हुआ कि ये जो भी लोग इसे हिजाब गर्ल मुस्कान समझ रहे थे, वो दरअसल नजमा नाजीर है। वह कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर की नेता है और ये फोटो उनकी FB आईडी की है जो कि उन्होंने 2018 में पोस्ट की थी। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो भी लोग दावे कर रहे हैं कि ये मुस्कान है हिजाब गर्ल, उनके सारे दावे गलत है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियो के लिए इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।